अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी साबुत मूंग बनाने की रेसिपी, जो ये बिल्कुल उड़द की तरह होती है और बहुत बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है, और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है। इस टाइम मेरे पास मूंग थोड़ा कमी था लेकिन काफ़ी है ये हम लोगों के लिए। मैं इसमें कर लेके इसको पैसे तो उर्दों को तो भिगोते हैं, बिल्कुल ही उड़द की तरह होती है लेकिन इसकी बहुत जल्दी बहुत नाजुक सी होती है, बहुत जल्दी गल जाती है ये। इसको भिगोना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ही इसको बनाऊंगी। मैंने ये एक कप उड़द ले ली, ये एक कप मैंने मूंग ले ली है साबुत, बिल्कुल उड़द की तरह होती है ये। अब मैं इस साबुत मूंग को धो लूँगी पानी डाल के। इसको भिगोना नहीं है, मैं भिगोऊंगी नहीं। अगर उड़द होते तो आधा घंटा मैं भिगो देती, लेकिन ये बहुत जल्द गलती है उड़दों से ज़्यादा, लेकिन बनती बिल्कुल उड़द की तरह है। मैंने अब इस मूंग को धो लिया है। अब मैं इसमें कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले यूज़ कर डालूँगी। मिर्च ली है मैंने आधा टी स्पून, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक मैं इसमें कम डालूँगी, कुछ नमक में जो मैं बाद में मसाले यूज़ करूँगी उसमें डालूँगी, दो टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी, थोड़ा पानी मैं इसमें डालूँगी। अब मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें तीन से चार सीटियाँ दे दूँगी। ये बहुत जल्द गलती है हमारा साबुत मूँग, जैसे मूँग की दाल गलती है ना बहुत जल्द, ऐसे ही हमारे मूँग भी बहुत जल्द गल जाते हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें चार सीटियाँ दे लूँगी। चार सीटियाँ देने के बाद मैं इसका प्रेशर नहीं निकालूंगी, इसी में हमारे मूँग जो है साबुत दमा जाएंगे। उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के घोट के जो और मसाले हैं इसमें, मतलब सब्जियों वाले जो मसाला टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, वो बाद में मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं सब पूरी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें चार सीटियाँ आ चुकी हैं। मैं इसको चेक करती हूँ कि हमारी जो साबुत मूँग है गली या नहीं गली। देखिएगा खूब अच्छे से ही गल गई है। देखिएगा बिल्कुल एकदम उर्दों की तरह है, लेकिन ये बहुत लाइट होती है और बहुत हेल्दी होती है। ये देखिएगा खूब अच्छे से गल गई है। अब मैंने ये भारी चम्मच ले लिया है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता घोट लूँगी, जैसे उर्दों को घोटते हैं ना, उर्दों को घोटा भी होता है ये, लेकिन ये बहुत वो होते हैं, ये इससे ही घुट जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे करके मैं इनको घोट लूँगी। अब देखिए एकदम ये हमारे मूँग कितने सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम गल गए हैं। ये देखिएगा बिल्कुल ये उड़द की तरह बनते हैं। उड़द का ये होता है कि वो बहुत टाइम में गलते हैं, कम से कम 8-9 सीटियों में गलते हैं, और ये जो है ये चार सीटियों में गल जाते हैं। इसको मतलब इसकी प्रेशर नहीं निकलना चाहिए, चार सीटियाँ आ जाए तो इसको ऐसे प्रेशर इसमें ही ठंडा होने के बाद में कुकर खोल के 2-3 चम्मच मार के और ये तैयार हो जाते हैं। अब बस मैं इसको भंगाड़ दूँगी इसको। अब आप देखिएगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी किस तरीके से मैं इसको भंगाड़ दूँगी। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैं डालूँगी इसमें ऑयल, मैंने ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है, आप जो चाहें ले सकते हैं, आप फॉर्चून भी ले सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं और आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए डाला है इसमें सरसों का तेल कि मूंग की दाल जो होती है ना थोड़ी ज़रा वैसी होती है, इससे थोड़ा चटपटापन आ जाता है। हमारा ऑयल अब खूब अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें तेज़पत्ता। अब डालूँगी ये 4-5 कलियाँ, 2-3 कलियाँ मैंने लहसुन की काट ली थी, ये डाल दूँगी। इसको मैंने बीच बीच से तोड़ लिया है, ये टटक के ऊपर आती है मुँह के ऊपर, लेकिन इसलिए ना कट लगा लेना चाहिए, चाहे लाल पील मिर्च डालिएगा चाहे लाल मिर्च डालिएगा, इस तरीके से ये डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने प्याज कट करी थी, ये डाल दूँगी इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं थोड़ा चम्मच मारेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारा ज़ीरा चटकने लगे। अच्छा, मैंने जो ये रेसिपी डाली है अपने डाइट के हिसाब से डाली है, क्योंकि मुझे शुगर है, डाइट के हिसाब से बहुत हेल्दी होती है मूँग की दाल। मूँग की दाल है, तुरई है, सब्ज़ियाँ बहुत सी हेल्दी होती हैं, और ये जो है बहुत सी दालें भी शुगर के हिसाब से हमारी डाइट के हिसाब से बहुत हेल्दी होती हैं। तो आज मैंने अपने डाइट के हिसाब से ही हेल्दी मूंग बनाया है साबुत, जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत इजी होता है। आप ज़रूर बनाइएगा, आप चावल से खाएँ, रोटी से खाएँ, जिससे भी चाहें आप खा सकते हैं। अच्छा, इसको बड़ों के साथ साथ इसको बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। ये नहीं है कि फीका और सीटा है, बिल्कुल ऐसी बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा होगा टेस्ट में, बहुत अच्छा होगा। रोटी से भी अच्छा लगेगा और सफ़ेद चावलों से भी अच्छा लगेगा। अभी प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। एक मैंने टमाटर काट लिया था। थोड़ा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये डालूंगी। अब इसमें मैं चम्मच मार दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम, बेचारा एक बस अब ये भी खा लिए, दाल बना के चावल बना के बदले भी खा लूँ। मैं तो फिर इसके साथ में एक बेसनी रोटी बनाऊंगी, बेसनी रोटी से खाऊंगी मैं। आटा मैंने तैयार कर लिया है, हमारे सारे मसाले ये खूब अच्छे से भून गए हैं। मैं इसमें डाल दूंगी मूंग जो मैंने घोट के रखी थी, साबुत मूंग।
एक कप से भी थोड़ी खाली थी, लेकिन देखिए कितना फूला है ये हमारा साबुत नून, बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं इसमें चम्मच डाल के फिर मिक्स कर दूँगी अच्छे से। मैंने मिक्स कर दिया है, मैं थोड़ा इसमें पानी डालूँगी, बहुत इसमें मतलब थोड़ा ही पानी पड़ेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। पानी के डालने के बाद में मैं इसको अच्छे से खूब मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसका नमक भी चेक करूँगी, नमक मैंने कम डाला था, मैंने मसाले में नहीं डाला है, खाली साबुत मूंग जब मैंने बॉईल करने को रखी थी तभी डाला था। नमक थोड़ा कम है, मैंने चेक किया है, इसलिए मैं और डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद में मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, इसमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। रोटी से भी बहुत अच्छा लगेगा ये और चावलों से बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर ज़रूर बनाइएगा आप इसको, और आपके घर के बड़ों को बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगा और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, दो मैंने हरी मिर्चें काटी थी मोटी मोटी, मिर्चें डाल के मिक्स कर देंगे। मैंने मोटी मोटी मिर्चें इसलिए काटी हैं, अगर किसी के मुँह में लगती है कोई खाना पसंद नहीं करता है तो इनको अलग से निकाल दीजिएगा। अब डाल दूँगी थोड़ा हरा धनिया पत्ती, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे साबुत मूंग में, जैसे उर्दू में डालते हैं गरम मसाला, और ये ऐसी ऐसी में भी गरम मसाला और हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं आधा चम्मच बाद में गरम मसाला डालूंगी। अब इस गरम मसाले को मैं मिक्स कर दूंगी, हमारे साबुत मूंग की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है एकदम बहुत परफेक्ट। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा, बस ऐसे ही इसको रखिएगा। वैसे आपकी मतलब मर्ज़ी है जैसे भी आप रखें, लेकिन बस इतना ही गाढ़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा पतले मूंग अच्छे नहीं लगते हैं। अगर दाल बनती है दाल तो हम पतली बना लेते हैं, लेकिन ये जो है बस इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप चावलों से भी खा सकते हैं और आप रोटी से भी खा सकते हैं। हमारी साबुत मूंग की सब्ज़ी तैयार है, टेस्टी और हेल्दी। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।